बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, और आज किस वीडियो देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीए सेकंड ईयर में है, और यहाँ हम एजुकेशन के सेकेंड थर्ड पेपर की बात करेंगे, जो केवल प्राइवेट स्टूडेंटों का पेपर होता है। इनमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सभी छात्रों से कहना चाहूँगा, मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये पेपर 8 तारीख को होने वाला है, 8/7/2022, मतलब कि 8 जुलाई को, ये 8 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है 2022 को। ध्यान से देख लो, यही पेपर आएगा, टोटल क्वेश्चन यहीं से छपेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वही पेपर में छप रहा है, सभी को पता होगा। और आप सभी लोग एक बार मुझसे वादा करोगे कि आप जैसे ही क्लासरूम में जाओगे, और क्लासरूम में बैठोगे बेंच पर, तो आपके पास आसपास जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सबको बताओगे कि पेपर हैकर यूट्यूब से पढ़ के आओ, पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से पढ़ के आओ, सारे के सारे क्वेश्चन वही फंसते हैं जो सर बताते हैं 2 दिन पहले। जी हाँ, 2 दिन पहले मैं आपको बताता हूँ, 10 से 11 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को याद करके 70% ला सकते हो। और मैंने जो 4 महीने से 5 महीने पहले जो वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर जब देखोगे तो आप उन सभी क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हो। आपको जो भी लाना है आपके हाथ में है, आप 85% लाने चाहते हो या फिर 70%, आपसे जो वादा करता हूँ वो मैं आपका वादा पूरा करूंगा। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को बता देना कि पेपर हैकर से ही पढ़ना है, बाकी किसी और को विश्वास करने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और चैनल में विश्वास मत करो, क्योंकि यार हम आपको प्रूफ करके दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे ना, तो आपको ये भी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब यहां ध्यान से देख लो मेरी बातों को, समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है आपके पास उसको लेके आए मार्केट से, उस पर टिक लगा लीजिए, या फिर हमारे नोट्सों को डाउनलोड कर लीजिए, paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो नीचे एक पट्टी कलर की चल रही है। यहां देखिए, यहां बोला गया है निर्देशन से आप क्या समझते हैं, मतलब निर्देशन की परिभाषा आपको देखनी है, और उनके मूलभूत सिद्धांत, मतलब निर्देशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और सिद्धांत मतलब कि निर्देशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये भी आपको देखना जरूरी हो जाता है। बस ये है, खास नहीं है, लेकिन आपको बस ये देखना है, मेरे हिसाब से आप ये देखिए कि निर्देशन किसे कहते हैं, ये परिभाषा देख लीजिए और उसका सिद्धांत को देख लीजिए, काम हो जाएगा। महत्व जब बात करें तो विशेषताओं को देख लेना। यहाँ है शैक्षिक निर्देशन क्या होते हैं उनके सिद्धांतों के लिए, अब शैक्षिक निर्देशन को आप याद करना होगा। यहाँ है व्यावसायिक, देखो हमने प्रकार की जब बात की थी तो प्रकार में एक शैक्षिक निर्देशन आ जाएगा, ठीक है, व्यावसायिक निर्देशन हो जाएगा, ठीक है, उनके उद्देश्यों के बारे में वही एक निर्देशन आपको देखने को मिलता है, प्रकार में ही देखने को कह सकते हैं, पारिवारिक निर्देशन उपयोग उनकी प्रगतिशीलता के बारे में। एक और आपको निर्देशन देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं विद्यालय निर्देशन, निर्देशन के कार्यक्रम प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है, तो निर्देशन कार्यक्रम में जो प्रधानाचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसकी भूमिका क्या होती है, आप ये देखेंगे। समूह निर्देशन किसे कहते हैं, ये सब निर्देशन के प्रकार हैं, उनके परामर्श के प्रकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, परामर्श क्या होते हैं, परामर्श के प्रकार बताइए, चरण लक्ष्य के बारे में याद कराएं, ठीक है, परामर्श क्या होता है, परामर्श और कह सकते हैं निर्देशन में किस प्रकार से भेद है, मतलब भेद का मतलब है किस प्रकार में इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में आपको अंतर देना है कि परामर्श किसे कहते हैं और निर्देशन किसे कहते हैं। वही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि विद्यालय निर्देशन सेवा कह सकते हैं संगठन सिद्धांत के बारे में आपको देख लेना है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें निर्देशन के बारे में पूछेगा, बाकी कुछ ज्यादा नहीं पूछने वाला है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन की परिभाषा मैं ऊपर बता चुका हूँ तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है, शैक्षिक निर्देशन का अर्थ मैं ऊपर बता चुका हूँ तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, शैक्षिक और व्यापक निर्देशन मैं ऊपर बता चुका हूँ उनमें अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर और संबंध क्या है, वो ऊपर आप दोनों को जैसे पढ़ेंगे आप याद करेंगे, दोनों में बड़े आराम से अंतर लिख देंगे, एक बात खत्म हो गई। निर्देशक और परामर्शदाता, देखो यहाँ का निर्देश में परामर्शदाता की विशेषता क्या होती है, और कह सकते हैं परामर्श की परिभाषा ऊपर दे चुका हूं तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। निर्देशनात्मक और अनुदिशात्मक परामर्श में अंतर क्या होता है, जो परामर्श के प्रकार होते हैं उनको आप याद कर लीजिए। आप विद्यालय सर्वन सेवा संगठन का वर्तमान प्रारूप ऊपर दे चुका हूँ। यहाँ कह रहा भारत में निर्देशन के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करना, ये क्वेश्चन आप देख लेना, बस ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 70% प्लस ला सकते हो। और आपने अभी तक हमारे पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।